नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज कई नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात कर वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी गोलबंदी में जुटी हैं। वहीं बीजेपी से नाराज शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। वहीं अब देखना होगा कि क्या ममता गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चा को एकजुट कर पाने में सफल हो पाएंगी या नहीं। प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब देश की सियासत में हलचल दिखने लगी है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी 4 दिवसीय यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंची हैं और कई गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ फेडरल फ्रंट खड़ा करने की बात कह रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंची हैं, जहां उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर बैठक शुरू कर दी है। इस कड़ी में ममता ने विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है। ममता बनर्जी न सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं से मिली, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के भी कुछ नेताओं से मुलाकात की। साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट खड़ा करने की बात कही है, और इन्हीं कोशिशों के मद्देनजर ममता ने एनसीपी, शिवसेना, टीआरएस, टीडीपी, आरजेडी और सपा के नेताओं से मुलाकात की। लेकिन इन मुलाकातों का क्या असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा, इस बात को विभिन्न दलों की स्थिति से समझा जा सकता है। टीआरएस टीएमसी का गठजोड़ फेडरल फ्रंट का विचार सबसे पहले 19 मार्च को ममता बनर्जी और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के बीच बातचीत के दौरान सामने आया था। एनसीपी के साथ पर सस्पेंस, मुमकिन है कि 2019 के चुनाव में ममता और शरद पवार की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के खिलाफ एक साथ आए। टीडीपी की नाराजगी का फायदा, टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की है। टीडीपी आंध्र के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है। शिवसेना के बगावती सुर, एनडीए सरकार में शामिल शिवसेना लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना इसकी संभावना कम है। सपा बीएसपी का साथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ आए सपा बसपा किसी भी सहयोगी को फायदा पहुंचाने के लिए काफी हैं। आरजेडी से बनेगी बात, आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की है। एक तरफ तो ममता बनर्जी दिल्ली में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चे की कवायद में जुटी हैं, लेकिन चुनाव आते आते समीकरण बदल सकते हैं। साथ ही चुनाव के बाद भी नतीजों के आधार पर भी साथी खेमा बदल सकता है। हालांकि ममता बनर्जी अपनी पुरानी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करेंगी, लेकिन वह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। बहरहाल साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत में सुदबुगाहट शुरू हो गई है और सभी सियासी दल अपनी पार्टियों को एकजुट करने में लग गए हैं। लेकिन क्या ममता की यह कोशिश गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा को एक साथ लाने में सफल हो पाएंगी? न्यूज इंडिया के लिए गौतम चौरसिया की रिपोर्ट। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटी हैं ममता बनर्जी, वो दिखाता है कि किस तरीके से
अपने अस्तित्व को भी बचाने की एक बड़ी चुनौती है। अगर 2019 में 2014 का इतिहास दोहराया जाता है तो फिर कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके सामने अस्तित्व का खतरा मंडराने लगेगा। और अगर हम इतिहास की बात करें तो उसमें थर्ड फ्रंट की कहीं पर कोई भी गुंजाइश आज तक के इतिहास में नहीं दिखी है। हाँ, सरकारें जरूर बनी लेकिन वो सरकारें टिक नहीं पाई, क्योंकि जो 90 से 2000 का वक्त था, 10 सालों का, इस दौरान देश ने कई प्रधानमंत्री देखे और इस दौरान थर्ड फ्रंट की सरकार भी बनी थी लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या थर्ड फ्रंट में जिस तरीके से सभी को एकजुट करने की कोशिशें चल रही हैं, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, इसके अलावा दक्षिण की तमाम पार्टियां हो, शिवसेना हो, क्या ये पार्टियां किसी एक चेहरे पे सहमत हो पाएंगी या नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इस पे बात शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील जुड़ गए हैं जो कि जेडीयू प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। 2019 का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन जो कवायद ममता बनर्जी ने शुरू की है, तो क्या जेडीयू खुद को देखती है थर्ड फ्रंट में या एनडीए के साथ? देखिए, ऐसा है कि ये जो ममता बनर्जी जी का जो पहल है, ये एक थर्ड फ्रंट की पहल पहली बार नहीं हुई है, पहले भी और हर बार घटक दलों के आपसी एम्बिशन, आपसी ईगो और इन लोगों के आपसी स्वार्थ और कोई एक फलसफा या फिलॉसफी का, इस कारण से ये फ्लॉप कर गई है। अभी हाल में जो ममता बनर्जी इतना बड़ा बीड़ा उठाई है और हम लोग इतने बड़े डिस्कस कर रहे हैं उसको मीडिया के द्वारा, इसमें सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने एक विपक्ष का बोल दिया था। तो कौन लीडर होगा, इसके पीछे कौन फॉरवर्ड होगा, इसी युवा फोरम में ये हर फ्रंट का मामला फंस जाता है। हर बार इस बार ममता बनर्जी लीड कर रही है तो चाहती है सारे आ जाए, सोनिया गांधी जी का जो बोझ ममता बनर्जी नहीं गई। तो ऐसे में हमें लगता है कि लोगों को जब तक की एक फिलॉसफी नहीं होगा, एक नकारात्मक फिलॉसफी और एक कम्युनल का एक 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 एक, 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 एक नारा करके चाहते हैं कि सब लोग हम एक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। कुछ फिलॉसफी होगा, देश के लिए कुछ विजन लेके आएंगे। तो एक अगर एका होगा तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर एका होता है, एका एक ही चीज है कि फलना आदमी को सत्ता से हटाना है। तो ऐसे में आपसी को तो एक भानुमति बेचारा है कि इसमें कभी सफलतापूर्वक इस तरह की बातें हो नहीं सकती है। ठीक है, उनकी प्रधान है, अपना वो पहल करें। बिल्कुल, ये है कि वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से देश में चर्चा हमेशा से यही होती रही है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो चेहरा है वो कौन सा चेहरा हो सकता है, और इसमें अगर सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा कोई रहा है, कोई दिखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के तौर पे। तो क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं 2019 में, हम देख सकते हैं? हेलो जी सुनील जी, देखिए आप अभी जेडीयू और माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग एनडीए में हैं और 2019 के लिए हम लोग को कोई इस बात की शक सुबह है नहीं कि एनडीए फिर से सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। और ऐसे में इस तरह की बातें, जो लोग एक चेहरा से पुरानी बातें, जब विपक्ष की आपसी होने से, विपक्ष में एक आपसी ईगो के कारण जो सफलता नहीं हो सकती, इसी कारण से विपक्ष में इस तरह का नहीं होगा। अब थर्ड फ्रंट की कवायद जो होना है वो होता रहे। और इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं। सोहराब अली जी पूर्व विधायक हैं रानीगंज से, पश्चिम बंगाल से, और सुनील प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। सोहराब अली जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं थर्ड फ्रंट को लेकर के, उम्मीदें कितनी दिखती हैं? थर्ड फ्रंट तो नहीं, फेडरल फ्रंट को लेकर आगे बढ़ रही हैं और उम्मीदें तो पूरी
है ही है, इसलिए कि ममता बनर्जी आज पूरे देश के अंदर में जिस तरह से डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ रही हैं, लोगों के बीच में काम कर रही हैं, लोग उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद कर रहे हैं, इससे लगता है कि फेडरल फ्रंट जो तैयार हो रहा है उससे ममता बनर्जी पूरे देश में अच्छा पहचान बना रही हैं और लोग देश के लोगों को भरोसा भी है, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी सच्चाई के रास्ते पे चलती हैं और ममता बनर्जी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं वो डेवलपमेंट को ही मुद्दा सामने रख के चल रही है और देश को डेवलपमेंट चाहिए। ये दंगा फसाद ये जो जितना 4 साल से जो चल रहा है इस तरह के लोगों से बचना चाहती है जनता। पश्चिम बंगाल में क्या कम दंगे हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं हो रहे हैं, ये कई कई जो आग है ना ये आरएसएस और बीजेपी वालों का ये आग लगा रहे कि पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब कर रहे, जो आज देश में सबसे मजबूत ताकत ममता बनर्जी जो उभर के आ रही है इनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से इनको कमजोर किया जाए, वो साजिश चल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये साजिश उनकी कामयाब नहीं होगी। या त्रिपुरा में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली उसके बाद ममता बनर्जी को अपना गढ़ जो है वो हिलता हुआ दिखा। त्रिपुरा मैटर अलग है, वहाँ पर 25 साल से शासन कर रहे थे सीपीएम, उनसे कुछ लोग नाराज थे इसलिए बीजेपी के तरफ में वो लोग ढल गए, तो वही गढ़ हिलता हुआ दिखा। बीजेपी सरकार बनने के बाद आप वहाँ के लोग पछता रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार को लाया है। प्रेमरंजन जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये शुरुआत की है फेडरल फ्रंट की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार हम देश में देख पाएंगे? ये संभव नहीं लगता है। एक तरफ जो ऐसे कि कोई गठबंधन बने देश के अंदर में, यह संभव नहीं लगता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और पूरे देश की पार्टी है जो अपना जनाधार लगातार जो ऐसे उसका समाप्त होता चला जा रहा है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनका अपना कोई आधार, बहुत मजबूत आधार नहीं है, अपने अपने राज्यों में छोटे छोटे कुनबे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है और मुझे नहीं लगता है कि गैर कांग्रेस कोई फेडरल फ्रंट बना कर करके और नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सके, जब कांग्रेस खुद जो है मुकाबला करने को तैयार नहीं है। और कई आपने देखा होगा कि कोई फेडरल फ्रंट बना रहे हैं, कोई महागठबंधन बना रहे हैं, यूपीए की सरकार को कोई लोग जो ऐसे कर रहे हैं कि यूपीए की लड़ाई लड़ेगी जो ऐसे एनडीए से, लेकिन कई उस गठबंधन में शामिल लोग आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि 19 में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, 24 की लड़ाई के लिए अभी से तैयारी करें। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब जो ऐसे हवा में बातें हो रही है और कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं है अभी जो ऐसे। प्रेमरंजन जी, ये विश्वास है या अति विश्वास? नहीं, अति विश्वास नहीं है। आगे देखेंगे कि कांग्रेस का एक बार पूरे देश में पूरा प्रभुत्व होता था तो 18 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा प्रभुत्व जो ऐसे है, लेकिन 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है और नॉर्थ ईस्ट में खास करके जहाँ कभी सोच नहीं सकते थे और जहाँ हमारे हिसाब से वहां का समीकरण मेरे अनुरूप नहीं बैठता था, वहां भी हमारे सरकारें बन रही है और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन रही है। अभी मुजफ्फरपुर जनता का विश्वास है। अभी सोहराबली जी भारतीय जनता योगी जी सोहराब जी कुछ योगी जी के लोग ही बता दिए कि इनकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि कोई मुकाबला के लिए सामने तैयार ही नहीं हो सकता है। तैयार हो सकता है या नहीं इसकी हकीकत भी तो दिख गई गोरखपुर चुनाव में, फूलपुर में। लेकिन सोहराब अली जी, एक चीज है कि अगर ममता बनर्जी सामने आ रही है, फेडरल फ्रंट की बात हो रही है, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की बात हो रही है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, जो बड़ी हकीकत है, इस चीज को भी स्वीकार करना होगा, चेहरा कौन होगा? क्या ममता बनर्जी को मायावती का चेहरा स्वीकार होगा, अखिलेश यादव का चेहरा स्वीकार होगा, शरद पवार का चेहरा स्वीकार होगा, उद्धव ठाकरे का चेहरा स्वीकार होगा, चंद्रबाबू नायडू का चेहरा स्वीकार होगा, किसका चेहरा स्वीकार होगा ममता बनर्जी को? आप सुन लीजिए, ये लोग अब बुखला जो है अखिलेश और मायावती जब यूपी में एकजुट हुए
तो इनका जमीन घटाना शुरू हो गया है। ये यूपी में 73 सीट लेके आए थे, उनको अब 3 सीट पे संतुष्ट करना पड़ेगा, ये सिचुएशन आ रहा है। हमने दिखा दिया है पूरे देश में हो रहा है, इस तरह का स्थिति जो पूरे देश में हो रहा है। 1.5% मत आए थे और इस बार में हमने बहुत प्रेम जी एक एक करके प्रेम रंजन जी अधिक जो है वहाँ का जनता का समर्थन लेने का काम किया। अब बंगाल तो बचाइए, प्रेम रंजन जी सोहराब जी को बोलने दीजिए, सोहराब जी को, उसके बाद में आपके पास आता हूँ। उठ गया है प्रेम जी इसका जवाब तो पहले देने दे सोहराब जी। समझ गए कि चार साल में सिर्फ झूठा वादा। सोहराब जी जो मेरा सवाल था उसका जवाब कि आखिर किस चेहरे पर आकर मानेंगी ममता बनर्जी। देखिए आपको एक बार बता दे, चेहरे की बात नहीं आ रही है, बात अभी अभी फेडरल फ्रंट तैयार हो रहा है, इसका रास्ता साफ हो रहा है, इसको खुद आपको समझना पड़ेगा। तो वही चीज तो हम समझना चाहते हैं कि आखिर किस चेहरे पर मानेंगे। तैयार हो गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि चेहरे नहीं सोहराब जी, क्योंकि बिना लालू यादव के, बिना नीतीश कुमार के, बिना अखिलेश यादव के, बिना मायावती, बिना उद्धव ठाकरे, आप कैसे फेडरल फ्रंट बना लेंगे? एनडीए की गठबंधन सरकार है, पहले जेहन में बैठा लीजिए कि एनडीए की गठबंधन सरकार चल रही है। आप आने वाला 2019 में गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी और गठबंधन की ही तो सरकार होगी, लेकिन वो गठबंधन बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के, क्या वो गठबंधन बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस के संभव है? देखिए हम क्या बता रहे हैं कि मतलब फेडरल फ्रंट जो तैयार हुआ है इसमें काफी पार्टियां जुट रही है, उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि ममता बनर्जी को सामने रखकर फेडरल फ्रंट तैयार किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी को वही पीएम पद के तौर पे ममता बनर्जी सबको स्वीकार होंगी? देखिए ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी है कि हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, वो पहले अनाउंसमेंट कर चुकी है, पहले अनाउंसमेंट कर चुकी है कि प्रधानमंत्री। तो चेहरा कौन होगा? ये चेहरा जब तक आप नहीं देंगे तो फिर लोग कैसे आप पे भरोसा करेंगे? डॉक्टर सुनील एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए का वर्चस्व जो है वो पूरे देश में बढ़ा है, क्या ऐसा लगने लगा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अब उनके सामने अपने अस्तित्व को भी बचाने की चुनौती है और यही वजह है कि आज ममता बनर्जी इस तरीके से फेडरल फ्रंट की बात कर रही हैं? डॉक्टर सुनील जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ये लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साजन जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? कॉल ड्रॉप हो गया है साजन जी का, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर एक महत्वपूर्ण पार्टी है तो वो सपा है। प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से कहा यह जाता है कि जिस किचन में बर्तन सबसे ज्यादा होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा खटपट होती है, क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने ये सारे चेहरे जो हैं उनमें से कोई एक खड़ा होता दिख रहा है? नहीं, ये संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है, और जितने चेहरे हैं वो कोई चेहरा सर्वमान्य चेहरा नहीं है। और पूरे देश का जो ऐसे लोगों का सर्वमान्य नहीं हो सकता है, पूरे देश के स्वीकारता उनके प्रति नहीं हो सकती है, इसलिए यह संभव नहीं है। ममता बनर्जी को ले लें, मायावती को ले लें, चाहे जिनको भी आप ले लें, उनकी स्वीकारता संभव नहीं लगता। ये संभव नहीं है। 35 साल की सरकार को हटाकर 6 साल के अंदर में पूरे पश्चिम बंगाल में सोहराब जी प्रेम जी को बोल लेने दे, मैं आपके पास आता हूँ। काम चल रहा है सोहराब जी, प्रेम जी को सुन तो ले। 35 साल से कांग्रेस की सरकार के अंदर ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर ले तो हम समझते हैं कि पूरे देश में ज्यादा दुर्गति, पूरे देश में जमीनी स्तर पे काम होगा। दुर्गति बंगाल को किया है 35 वर्षों में, उससे ज्यादा दुर्गति आपने 5 वर्षों के अंदर में आपने बंगाल में किया है। अब आप जो है 35 साल
की जो कांग्रेस थी उसको हटा करके आप आए हैं। 35 साल सीपीएम की सरकार थी जो जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया है आज पूरे पश्चिम बंगाल में। आप पर विश्वास जताया था 35 साल के बाद किसी पर विश्वास जताया था, अब 5 साल में भी उस विश्वास को आप काम नहीं कर सके। 5 साल में सिर्फ एक काम बताइए ना तो कौन से नरेंद्र मोदी जी काम कर दिया देश के लिए। जितना समय है वो इस पूरे समय जो है वो अपने विदेश में बिता रहे हैं बगैर जनता का विश्वास जीते। हम कोई विश्वास नहीं जीत रहे हैं, कोई विश्वास नहीं जीत रहे हैं आज। सौरभ जी, प्रेम जी, एक 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 करके सर मैं आपके पास आता हूँ। सपा से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील सिंह साजन जी। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू आपसे। सुनील जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं, दिल्ली में हैं 4 दिनों के लिए, कई नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, फेडरल फ्रंट की चर्चा शुरू हुई है, सपा खुद को फेडरल फ्रंट में कहां देख रही है? नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है और अब ये हमारे पार्टी नेतृत्व और मुझे लगता है कि बीएसपी का पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन की रूपरेखा कैसी हो या क्या कार्यक्रम हो। मैं अभी फिलहाल केवल ये कह सकता हूँ कि अभी जो कार्यक्रम बने हैं केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो क्या जो फेडरल फ्रंट की चर्चा है इस पर सपा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रुख सपा का नहीं? अभी कुछ नहीं है। लेकिन क्या एक चीज है सुनील जी, क्या हम देश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकार देख सकते हैं 2019 में? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गैर भाजपाई सरकार आप जरूर देखेंगे। यानी कांग्रेस को उस फ्रंट में आप देख रहे हैं? नहीं, अब ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं हम लोग भाजपा को कैसे हराएं या भाजपा को कैसे हरा सकते हैं, इस पर जरूर अभी रणनीति बन रही है। और तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोनों दल एक हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हम लोगों ने जीता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये गठबंधन है ये आगे जाके किस रूप में जाएगा ये तो हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा मकसद केवल यह है कि सांप्रदायिक ताकतें और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम रोक सकते हैं। तो यानी कि अब इन तमाम पार्टियों का एक ही मकसद है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं? हाँ, मुझे लगता है कि जब बड़ा एक मकसद है तो दूसरे मकसद की तरफ लोग क्यों सोचेंगे। जब देश में संविधान को बचाने की बात हो, देश में लोकतंत्र बचाने की बात हो, देश का पैसा विदेश या ना जा अपने पाए, अपने अस्तित्व को बचाना है। अब नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई थी वो वादे आज जुमले बन गए, तो आखिर कहीं ना कहीं देश का किसान, देश का नौजवान किसकी तरफ देखेगा? और उसको कुछ न कुछ तो चाहिए ना बदलाव के लिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा गठबंधन, इसने एक रास्ता दिखाया है उत्तर प्रदेश से गोरखपुर फूलपुर हरा करके कि देश इस रास्ते पर चल के भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। डॉक्टर सुनील सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वाकई में लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है या फिर संविधान को बचाने की चुनौती है या अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौतियां जो हैं वो अब सभी के सामने आ गई हैं? डॉक्टर सुनील सिंह से जो हमारा संपर्क है एक बार फिर से लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन प्रेम रंजन जी इसका जवाब आप ही से चाहेंगे कि क्या अब ये हकीकत यही है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है या अब सभी के अस्तित्व को खतरा है? इन लोगों का एकमात्र एजेंडा कोई एजेंडा नहीं है, ये जितने लोग विरोधी पार्टियां है, विपक्षी पार्टियां है, उनका एकमात्र एजेंडा है नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? देश के खजाने को लूटने का काम किया है, देश के काले धन को जो है से बाहर विदेशों में जमा करने का काम किया है, देश के पैसे को गरीबों के बीच में ले जाने का काम जिसने नरेंद्र मोदी ने किया है। पहली बार बजट में जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के हित के लिए जो है से बजट में प्रावधान करने का काम किया है, जिसने
युवाओं को अच्छी से अच्छी जो है से तालीम देने का काम किया है, अधिक से अधिक जो है से लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केवल जो है से एक मुहिम चलाने का काम इन लोगों का है। और इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई देश के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई देश के लोकतंत्र के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो इनके पास जो है से जब एजेंडा नहीं होगा तो इनका किसी भी प्रकार का कोई फ्रंट बना ले तो संभव नहीं लगता है कि इनका फ्रंट जो है से कामयाब होगा। एक चीज सोहराब जी, एजेंडे की अगर बात करें तो जब जनता के सामने आप विकास का एक मॉडल नहीं देंगे कि हाँ हम इस तरीके से विकास करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? अगर सिर्फ और सिर्फ एक विजन लेके आप चलेंगे कि एक व्यक्ति विशेष को आप हराने के लिए सभी एक हो रहे हैं, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके अपने अपने विजन हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का कुर्सी के चार पिलर में रस्सी बंध गया है। आने वाला 19 में ये चारों तरफ से इनका पिलर को टानेगा, नरेंद्र मोदी जी गिरेंगे, ये तो निश्चित है। क्यों रह गया विकास के बारे में बात आप जो कर रहे हैं, विकास का मॉडल ममता बनर्जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं ये अपने आप में एक मॉडल है। मॉडल को सामने रखकर फेडरल फ्रंट को लाएंगे सामने और प्रचार करेंगे और उसी को सामने रख के हम लोग 2019 में लड़ाई लड़ेंगे। ममता बनर्जी के सामने सिर्फ डेवलप ही डेवलप है और वो डेवलप का काम करती हैं, ग्रास रूट से काम करती हैं। वो कभी ये नहीं देखती कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, उनको सब वो तमाम लोगों को लेकर चलती हैं। मतलब जो देश का हमारा संविधान है, यही हमारा देश का परंपरा है, उसको लेकर वो चलती हैं। आज इसीलिए पूरे पश्चिम बंगाल के लोग दोनों हाथों से उनको अपना कीमती वोट देते हैं। नहीं तो 2011 में जितना वोट से जीती थी उससे ज्यादा उस सीट लेके 2016 में आई है। तो अब देखना है मोगा कि जो प्रयास ममता बनर्जी कर रही हैं उस प्रयास में उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फेडरल फ्रंट की शुरुआत को बनाने की शुरुआत जो है वो ममता बनर्जी ने की है। देखना है होगा कि इसमें ममता बनर्जी को किस हद तक सफलता मिल पाती है। कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।